आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 7। 10 से 12 मिनट के अंदर हम इन 20 क्वेश्चनों को कंप्लीट करेंगे और जानेंगे कि कौन सा क्वेश्चन कैसे होता है। ये बताता हूँ कि एयरफोर्स का एग्ज़ाम इजी इतना होगा और डिपेंड करता है कि वो मेरिट कितनी जाती है। एग्ज़ाम इजी ही इतना, पहले तो इतना ही ईजी आता था, लेकिन इस बार का कुछ कह नहीं सकते। तो आपको पता है वैसे कि चार चार क्वेश्चन तो हम पैसेज के सबसे लास्ट में करते हैं। और अब स्टार्ट करते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन से, जिसमें है एक वर्ब फिलअप करनी। 5वें नंबर क्वेश्चन में दिया हो गया है डिड ही ब्लैंक यू अबाउट इट। पहला ऑप्शन टेल है, दूसरा टेल्स है, तीसरा टोल्ड है और चौथा टेलिंग है। तो अपना राइट आंसर चूज कीजिए। तो ये बता दूं कि यह पास्ट सिंपल का इंटरगेटिव सेंटेंस है। जब भी डू या डज या डिड वाक्य में आ जाते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो इंटरगेटिव हो, तो उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते हैं, ठीक है। वरना अगर ये ना आए तो पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं और में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस ई एस करते हैं। लेकिन यहाँ पर डिड दिया गया, तो राइट आंसर ए टेल सही है। तो यह क्वेश्चन आपका सही होगा, लेकिन मोस्टली कुछ लड़कों को ये कन्फ्यूज़ कर देता है। तो इसको ऐसे क्वेश्चनों में कन्फ्यूज मत होइए, टोल्ड मत कीजिए यहाँ पर। तो अब आता है 6वां नंबर क्वेश्चन। वी ब्लैंक बाथ इन द कैनल इन आवर स्कूल डेज बट नाउ वी कैन नॉट गेट टाइम। कि हम स्कूल टाइम में नहरों में नहाते थे, लेकिन अब हमें समय नहीं मिल पाता है। यह इसकी हिंदी अर्थ है। तो पहला ऑप्शन टेकिंग है, दूसरा यूज्ड टू टेक है, तीसरा टेकन है और चौथा टुक है। तो इसका एक मोस्टली एक कॉन्सेप्ट है कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, वहाँ पर हम यूज्ड टू का यूज़ करते हैं, क्योंकि यूज्ड टू है। या तो आप यूज्ड टू का यूज़ कर लो, या आप वुड का यूज़ कर लो, या आप पास्ट सिंपल का यहाँ पर हम यूज़ नहीं कर सकते। हमें यहाँ पर यूज़ करना होगा यूज्ड टू का, क्योंकि या तो वुड होता तो यूज्ड करते। ये इसलिए आता है क्योंकि जब भी हमारी कोई पास्ट की एक्शन होती है जो अब वर्तमान में नहीं है, अब प्रेजेंट में अगर वो नहीं है, अगर आप टुक करते तो इसका मतलब होता कि वर्तमान में है, लेकिन हम नहाए थे या तो पिछले महीने नहाए थे। टुक का तो ये मतलब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर है कि स्कूल डेज में नहाते थे, तो अब तो नहीं नहाते ना, तो पास्ट हैबिट हो गई हमारी वो। तो यूज्ड टू होता है पास्ट हैबिट को शो करने के लिए। तो यहाँ पर आपको यूज्ड टू सही करना होगा, और यूज्ड टू ही यहाँ का राइट आंसर है। अब आता है 7वां नंबर क्वेश्चन, जो है कि एक प्रीपोजिशन है। आई गेव हिम कॉन्ग्रेचुलेशन ब्लैंक हिज सक्सेस। तो बता दूं, नेवी डबले का जो 25 फरवरी को एग्जाम हुआ था, इसमें ये क्वेश्चन आया था प्रीपोजिशन का, कॉन्ग्रेचुलेशन के साथ क्या लगता है। तो यह भी एक फिक्स प्रीपोजिशन है। पहला ऑप्शन फॉर है, दूसरा ऑन है, तीसरा सी टू है और चौथा डी अबाउट है। और तो इसका राइट आंसर चूज कीजिए। गलत ना होना चाहिए आपके। मान लीजिए आप नेवी डबले के एग्जाम में बैठे हैं, तो उसमें नेगेटिव मार्किंग भी थी, तो सोचिए कितना बड़ा नुकसान होता। लेकिन एयरफोर्स में नहीं है तो खुशी की बात है। तो इसका राइट आंसर बी ऑन, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन लगता है, ठीक है दोस्तों। तो आगे चलने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि एयरफोर्स से रिलेटेड प्रत्येक इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। और ये प्रैक्टिस सेट अपने दोस्तों तक, अपने भाइयों तक शेयर कर दीजिए जिनके पास बुक नहीं है। और अब 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हार्ड वर्क इज द की ब्लैंक सक्सेस। तो की के साथ क्या लगता है? की के साथ दो प्रीपोजिशन लगती है। अगर की के साथ आ जाता है वर्ड प्रॉब्लम, तो की ऑफ प्रॉब्लम होता है। लेकिन अगर की के साथ लग जाता है सक्सेस, तो की के साथ लगता है टू, की टू सक्सेस। यहां पर आप कर सकते हैं की टू सक्सेस। तो इसका राइट आंसर इज डी है, की टू सक्सेस इसका राइट आंसर है। अब 9वां नंबर क्वेश्चन आता है, वो भी एक प्रीपोजिशन है। द स्नेक क्रॉल्स ब्लैंक इट्स होल। तो पहला ऑप्शन टू, दूसरा टूवर्ड्स, तीसरा इन और चौथा इनटू। तो इसमें मोस्टली आप गलती करोगे, मुझे पता है। तो बता देता हूँ कि जब स्नेक है वो अपने, मान लीजिए अपने बिल के अंदर इनसाइड मोशन गति कर रहा है। जब भी कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर जाती है तो उसके लिए इनटू यूज़ करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर राइट आंसर है इनटू। आपने शायद कुछ नहीं किया होगा, टूवर्ड्स की, वह तो होल की तरफ नहीं जा रहा है बल्कि होल के अंदर जा रहा है, तो इनटू आता है यहाँ पर। अब 10 नंबर क्वेश्चन एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंज करना है। इंदू सेड टू मी ब्लैंक आर यू गोइंग टू दिल्ली टूडे। तो पहला ऑप्शन टोल्ड देखा हमने, तो पहला ऑप्शन ऑटोमेटिकली गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर इंटरोगेटिव क्वेश्चन है तो टोल्ड हम कर नहीं सकते। दूसरा और तीसरा देखा कि आस्कड किया हुआ है इंटरोगेटिव के अनुसार, बिल्कुल सही है। मी कर रखा है, कंजक्शन इफ लगाया हुआ है, चाहे वेदर यूज कर दो या इफ यूज कर दो, दोनों सही हैं, ठीक
ठीक है, आगे चले। आई वॉज गोइंग दोनों में सेम टू दिल्ली टूडे, लेकिन ध्यान रखना है कि टूडे को दैट डे में बदलते हैं, तो दूसरा भी गलत हो गया। तो राइट आंसर सी है, दैट डे वाला। ठीक है, अब चलते हैं पैसिव वॉइस में, जहां पर हमें एक पैसिव वॉइस दिया हुआ है जिसे एक्टिव वॉइस में बदलना है। लेट योर कंट्री बी सर्वड, तो पहला ऑप्शन है सर्व योर कंट्री, दूसरा है डू सर्विस योर कंट्री, तीसरा है सर्विस शुड डन टू योर कंट्री, और चौथा है लेट योर कंट्री बी सर्वड। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको तभी आएंगे जब आपने पैसिव वॉइस पढ़ रखे हैं। तो इसका राइट आंसर है ए, ठीक है, सर्व योर कंट्री। तो ये सजेशन मान लीजिए, या कोई एडवाइस मान लीजिए, या मोरल मान लीजिए, तो उनमें लेट योर कंट्री बी सर्व, इस तरीके से तरह के क्वेश्चनों को करते हैं। तो इसका कोई एक्सप्लेनेशन वैसे है, जब आप रूल पढ़ोगे तभी आप जान सकोगे। कम से कम 10 से 12 इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, वो पढ़ लीजिएगा पैसिव वॉइस के। और पैसिव वॉइस नरेशन तो आपका गलत होना ही नहीं चाहिए, गलत हो गया तो मान लीजिए सबसे बड़ी गलती कर दी आपने। ठीक, तो अब चलते हैं 12वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 12 नंबर क्वेश्चन आता है, देयर इज ए ब्लैंक कब इन योर सर्कस, क्लब है यहाँ पर, कब नहीं है, देयर इज ए ब्लैंक क्लब इन योर सर्कस। ठीक है, तो पहला ऑप्शन मेल है, दूसरा अम ए एल ई है, तो राइट चूज कीजिए कौन सा होगा, कि देयर इज ए मेल सर्कस, कि लोगों का जो क्लब है, मेल क्लब है वहां पर आपके सर्कस में, तो मेल आएगा, ये तो मेल ईमेल वाला हो गया। ठीक है, अब 13 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, ही इज ब्लैंक फॉर द इलेक्शन, कि वोटों के लिए क्या कर रहा है वो, पहले तो इनका हिंदी अर्थ पता होगा तभी करवाएंगे। तो जो कैनवास होता है, राइट आंसर इज ए, कैनवास का मतलब होता है वोट इकट्ठा करना। वैसे बी का कोई आपको वर्ड ऐसा नहीं मिलेगा इसका राइट आंसर, आपको कैनवास आप चमड़ा भी कह सकते हो इसका मतलब, लेकिन इसका राइट आंसर है डबल एस वाला, जिसमें डबल एस होगा वो ही राइट आंसर है, जिसका मतलब होता है वोट इलेक्शन के लिए वोटों को कलेक्ट करना। ठीक है, अब 14 नंबर क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, कन्फ्यूजिंग वर्ड्स है इसमें तीन, रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड आपको देखना है, साथ में इसमें कन्फ्यूजिंग वर्ड आपको तीन, एक तो क्वाइट और एक क्विट और एक ये क्वाइट दूसरा। ठीक है, तो इसका मिस स्पेल्ड वर्ड तो आपको पता चल गया होगा कि कौन सा है, तो इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ आपको, इसका राइट आंसर है डी, गिल्ट होगा, इसमें GILT का रखा है, तो इसका आंसर होगा GUILT, गिल्ट, शर्मिंदगी। तो पहले तीन का अर्थ बता देता हूँ, ध्यान रखिएगा, बार बार भूल जाएंगे इन अर्थों को, बहुत डिफिकल्ट हैं। तो पहला क्वाइट होता है शांत, इसका मतलब शांत होता है, दूसरा क्विट होता है छोड़ना, और तीसरा क्वाइट ये होता है बिल्कुल, बिल्कुल या काफ़ी या पर्याप्त मात्रा में। ठीक है, तो नहीं याद रखिएगा। अब आते हैं डाउटफुल का ऑपोजिट बताना है हमें, एंटोनियम्स बताना है, तो पहला है अनडाउटेड, दूसरा है अनसर्टेन, तीसरा है श्योर, चौथा है डाउटलेस। तो डाउटफुल मतलब संदेह है उसमें, तो इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ श्योर, कि निश्चित, एक तो संदेह है वो तो, और एक निश्चित हूँ कि इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। आप डाउटलेस वर्ड यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि नॉर्मली हम ऐसे वर्ड यूज़ नहीं करते हैं, जैसे अनडाउटेड या डाउटलेस हम यूज़ वर्ड नहीं करते हैं, हम श्योर यूज़ करते हैं, आई एम श्योर, या कहते हैं आई एम डाउटफुल, तो श्योर यहाँ पर राइट आंसर है। अब आता है 16 नंबर क्वेश्चन, इनसफिशियंट मतलब अपर्याप्त का पहला ऑप्शन लेस, दूसरा लॉस, तीसरा मोर, और चौथा है एडिक्वेट। तो इनसफिशियंट अपर्याप्त का क्या होगा, राइट आंसर इज डी, एडिक्वेट पर्याप्त होता है, लॉस तो ये नुकसान हो गया, 2 नंबर ऑप्शन में नुकसान, ये लेस कम, ये मोर ज़्यादा, तो एडिक्वेट पर्याप्त होता है, इनसफिशियंट अपर्याप्त होता है। अब 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कैपेसिटी का क्या मतलब होता है, कैपेसिटी क्या होती है, तो पहला ऑप्शन एबिलिटी, दूसरा फिजिकल पावर, तीसरा एनर्जी, और चौथा है पावर टू अचीव। तो जब भी हम कहेंगे कि मेरी कैपेसिटी ये है कि मैं ये अचीव कर सकता हूँ, कि मैं एयरफोर्स को ज्वाइन कर सकता हूँ, ये मेरी कैपेसिटी है, तो इसका राइट आंसर है पावर टू अचीव, न कि एनर्जी, एबिलिटी और फिजिकल पावर, बल्कि ये मेरी पावर है लक्ष्य पाने के लिए, वो मेरी कैपेसिटी है। ठीक है, अब 18 नंबर क्वेश्चन, एक एरर है, कि वन ऑफ माई ब्रदर टोल्ड मी अबाउट द सैड न्यूज ऑफ योर अंकल, तो इसमें आप एरर पार्ट को छांटना है। तो यह सबसे मुझे सबसे अच्छा रूल लगता है, यह कि जब भी वन ऑफ के बाद कोई भी नाउन आती है तो वो प्लूरल होती है, तो यहाँ पर ब्रोदर नहीं करना है आपको, यहाँ पर ब्रोदर्स करना है, वन ऑफ माई ब्रदर्स, ब्रदर्स होएगा राइट आंसर, इसका ए पार्ट में है, ब्रदर्स करना है आपको यहाँ पर। अब 19 नंबर क्वेश्चन आता है, द मिनिस्टर अलंग विथ हिज पार्टी कोलेजियस हैव बीन गिवन ए वार्म रिसेप्शन एट द फंक्शन, तो मिनिस्टर है वो अलंग विथ हिज पार्टी कॉलेजेस, अपने पार्टी सहकर्मियों के साथ,
तो एरर यहां पर आपको देखनी है कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, जब भी वाक्य में एज वेल एज, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, एंड नॉट, बट, बिसाइड्स, इन एकोपेन बाई, लाइक, अनलाइक आ जाएं, जब भी दो नाउन ऐसे वर्ड्सों से जुड़ी हो तो पहले वाले के अनुसार वर्ब यूज करते हैं। जब यहां पर वर्ब देखोगे तो मिनिस्टर सिंगुलर है, लेकिन यहां पर है वो प्लुरल वर्ब यूज कर रखी है, तो यहां पर है जाएगा ना कि है आएगा। ठीक है, तो अब 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिज फादर टोल्ड मी दैट, तो हिज सन हैड वर्कड वेरी हार्ड बट ही हैड फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। तो पहला तो कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, तो इसमें गलती आप छांटें कौन सा पार्ट गलत है, तो ये आपके लिए थोड़ी सी डिफिकल्ट एरर है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी दो सेंटेंस ऐसे, जब दोनों वाक्य में सेम सेंटेंस होते हैं तो ऐसा नहीं होता है मोस्टली डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, कि इनमें एक वाक्य तो या तो पास्ट सिंपल में होगा या एक पास्ट परफेक्ट में होगा। ठीक है, तो इसका पार्ट सी गलत है। यहाँ पर आप हेल्ड फेल्ड नहीं कर सकते, यहाँ पर आपको करना होगा ही फेल्ड, पास्ट सिंपल यूज करना होगा इस दूसरे वाक्य में। ठीक है, तो अब चलते हैं पैसेज की तरफ। पैसेज वीडियो पॉज कर लीजिएगा और पूरा पैसेज पढ़ लीजिए, फिर मैं इसके बाद में आपको चारों क्वेश्चनों के आंसर में बता दूंगा और चूज कर लीजिए कि आपके 20 नंबर में से कितने नंबर आप गेन कर रहे हैं। वैसे ये आसान ही था, अगर आप 18+ इसमें गेन करते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि इससे आसान तो मुझे लगता नहीं कि प्रैक्टिस सेट कोई होगा। या तो आपकी एक प्रीपोजिशन गलत हो सकती है, या आपका एक लास्ट एरर का क्वेश्चन गलत होता है, या आप इसमें एक पैसेज में एक गलत कर सकते हो। तो मोस्टली मतलब 17 नंबर तो आपको लेने ही हैं। तो अब इनके मैं राइट आंसर आपको बता देता हूँ। इसमें तीन चार क्वेश्चन हैं, चारों क्वेश्चन भी आप देख लीजिए। तो पहले का राइट आंसर डी है, दूसरे का राइट आंसर बी है, तीसरे का राइट आंसर सी है, और चौथे का राइट आंसर ए है। ठीक है दोस्तों, तो देख लीजिए आपके कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, और शेयर करना मत भूलिए दोस्तों। और जो आपकी कमेंट आ रहे हैं उनका अभी जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता है। एग्ज़ाम मेरा खुद का भी है 3 से 6 तारीख के बीच में, तो 3 तारीख को मेरा एग्ज़ाम है। आपको हर एग्ज़ाम का वीडियो बता दूंगा कि कौन से क्वेश्चन किस तरह के आए थे, तो सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको अपडेट मिल जाए 3 तारीख के एग्ज़ाम की। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।